मिर्जापुर में होमगार्ड विभाग के द्वारा कराए जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम का कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्र और जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने वृक्षारोपण कर समापन किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान 300 पौधे का वृक्षारोपण तथा 2000 पौधों को ग्रामीणों में वितरित किया गया। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है 2 अक्टूबर की है, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कार्य? संदेश ये है कि पर्यावरण बचाइए, देश को बचाइए और अपने को बचाइए, और ये सुरक्षा तभी होगी जब आप पेड़ लगाएंगे, पेड़ों का पालन पोषण करेंगे और इसी से ऑक्सीजन मिलेगी और इसी से हमारा पर्यावरण संतुलन। सर, होमगार्ड विभाग के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, उनके लिए क्या करना है? होमगार्ड के जवानों की और उनके पूरे नेतृत्व को, उनके कमांडेंट, उनके डिविजनल कमांडेंट, CDO डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिनके कोऑर्डिनेशन में कार्यक्रम हो रहा है, सबको बहुत बहुत बधाई। और बाकी लोग विभागों के लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत है, किस प्रकार से हर विभाग अपनी प्रेरणा से, अपने इनिशिएटिव से वृक्षारोपण जैसे महान कार्यों में आगे बढ़ करके अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं। जी, आपका परिचय बताएं। मेरा नाम पुष्पा गौतम है, ग्राम प्रधान अघवार गाँव की, विकासखंड सिटी। मैडम, आज आपके यहाँ जनपद मिर्जापुर CM महोदय आई थी और भंडारी की भी आए थे और CDO मैडम भी आई थी। इतना बेहद अच्छा और अच्छा कार्यक्रम क्या हुआ, इसमें आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा। आप क्या कहना चाहेंगे अपने ग्रामवासियों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने ग्रामवासियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि हमारे साथ रहें, हमारा सहयोग करें और हमारे वृक्षों को और हमारे तालाबों को स्वच्छ, साफ सफाई सब हमारे साथ रहें, हमारा सहयोग दें। आज यहाँ अमृत सरोवर पे होमगार्ड डिपार्टमेंट द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, बहुत सराहनीय कदम है। मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि वे भी और ज़्यादा नहीं तो अपने घर के पास एक वृक्ष जरूर लगाएं, वो हमारे पर्यावरण को संरक्षित भी करेंगे और आगे आने वाले समय में बहुत हमारे उपयोगी सिद्ध होंगे। सर, ये बताएं कि आज आप लोगों के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, 2 अक्टूबर भी है और आज समापन भी है, कितने दिन कार्यक्रम आपका चला, क्या? जैसा कि अभी कमांड साहब ने आपको बताया कि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम माननीय मंत्री जी और डीजी साहब के निर्देशों के क्रम में चलाया गया, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जनपद मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र तीनों जनपदों में बृहद स्तर पर कार्यक्रम वृक्षारोपण के किए गए, जन जागरूकता से लोगों को जोड़ा गया, उनको शपथ दिलाई गई। और मुझे यह लग रहा है कि जिस तरह हमारे जवान, हमारा संगठन, हमारे कमांडेंट्स और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज कमांड साहब की सुप्रसिद्ध गायिका, वो पत्नी हैं और अच्छी गायिका हैं, लोक गायिका हैं, वो संजू जी आके जो होमगार्ड संगठन हमारे का मान बढ़ाया है और जो प्रेरणा दी है, वो आगे भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।